समाज सेवी डॉक्टर पंकज गुप्ता गंदगी और कूड़े की आवाज लगातार उठा रहे हैं। शहर को स्वच्छ रखने का संदेश दे रहे हैं। कैसे जब कोई आवाज उठाता है और जनता उसका साथ देती है और वो आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की बन जाती है और नगर निगम को कूड़ा उठाने और सफाई के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि समाज सेवी डॉक्टर पंकज गुप्ता काफी समय से अलवर की गंदगी और कूड़े की आवाज बने हुए हैं और अनेकों बार सोशल मीडिया के माध्यम से सफाई के लिए कूड़ा उठाने के लिए अलवर की गंदगी के लिए आंदोलन भी कर चुके हैं। प्रशासन और नगर निगम को आग्रह भी कर चुके हैं। हाल ही में 3 दिन पूर्व शहर की सड़कों पर गोपाल टाकिस के सामने, पुलिस कंट्रोल रूम के सामने, पंसारी बाजार पर और केडलगंज में बीच सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ था। उसकी आवाज सोशल मीडिया पर उठाया गया और अलवर की जनता ने उसको शेयर किया और लाइक करते हुए प्रशासन के कानों तक पहुंचा तो प्रशासन और नगर निगम को मजबूरन सफाई के लिए बाध्य होना पड़ा। इस बारे में अलवर न्यूज ने डॉक्टर पंकज गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि अलवर शहर बहुत छोटा शहर है और प्रशासन और नगर निगम अगर अच्छा शक्ति के साथ चाहे तो हर शहर को बहुत सुंदर बना सकते हैं, अलवर के पर्यटन को बढ़ा सकते हैं, छोटे दुकानदारों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है आमजन को खड़े होने की और प्रशासन और नगर निगम को टीम अलवर बनकर काम करने की और जहां भी प्रशासन चाहेगा वहां पर डॉक्टर पंकज गुप्ता की टीम कंधे से कंधा मिलाकर के प्रशासन और नगर निगम के साथ काम करेगी और अलवर को स्वच्छ और अपराध मुक्त बनाने के लिए आमजन के साथ खड़ी रहेगी।